अस्सलामुअलैकुम प्यारे तलबा, पिछली वीडियो में हमने शिवाजी महाराज के फसील बंद पहाड़ी किलों के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की। अब हम शिवाजी महाराज के बहरी बेड़े के बारे में मजीद मालूमात हासिल करेंगे। ऐसे जहाज जो जंग में इस्तेमाल होते हैं उन्हें जंगी जहाज कहते हैं। बहुत सारे जंगी जहाज से मिलकर बहरी बेड़ा बनता है। अंग्रेज, पुर्तगाली और सिद्दी, इन तमाम के पास ताकतवर बहरी बेड़े मौजूद थे। इनमें से कुछ बहरी बेड़े साहिली इलाकों के में बसे हुए लोगों को लूट लिया करते थे, वहां के लोगों को परेशान करते थे। शिवाजी महाराज ने इन समुद्री दुश्मनों का सफाया करने के लिए बहरी बेड़ा बनाने का इरादा किया और इस इरादे की तकमील के लिए उन्होंने बहरी बेड़ा बनवाया। शिवाजी महाराज ने छोटे छोटे जहाज और कश्तियां बनाने का कारखाना बनवाया और बहरी बेड़ों की मदद से ही उन्होंने समुद्री किले को फतेह करके अपने कब्जे में कर लिया। स्वर्ण दुर्ग, विजय दुर्ग जैसे बहरी किलों को उन्होंने मरम्मत करवाई। शिवाजी महाराज ने मालवन के करीब कुल्टे नामी जजीरे पर एक नया बहरी किला सिंधु दुर्ग तामीर करवाया। इसी तरह मुंबई के करीब खांदेरी का किला भी तामीर करवाया। सौराष्ट्र के बहरी बेड़े में कोली यानी मछेरे, भंडारी, आगरी जैसे समुद्र में मछली पकड़ने वाले लोग सिपाही थे। इस जमाने में दौलत खां, माइनाक भंडारी, लाए पाटिल, दरिया सारंग, तिकोजी आंगड़े जैसे बहरी बेड़े के नामों और जंगजू ने शोहरत पाई। महाराज के बहरी बेड़ों की वजह से अंग्रेज, पुर्तगाली, सिद्दी और डच जैसे समुद्री दुश्मनों का खतरा सौराष्ट्र पर नहीं होगा। महाराज ने एक अलग बहरी बेड़ा बनवाया और इस बहरी बेड़े की मदद से समुद्री हद को तय कर लिया। उन्होंने साहिली इलाके पर अपना मालिकाना कब्जा जमा लिया। उन्होंने अपना साहिली इलाका महफूज कर लिया। वस्ती जमाना यानी बीच का जमाना, जो कि शिवाजी महाराज का जमाना था, इस जमाने में उन्होंने भारत का पहला जाति बहरी बेड़ा बनवाया। इसीलिए उन्हें यानी छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय बहरी बेड़े का बानी कहा जाता था। मतलब ये कि महाराज ने बहरी बेड़े की बुनियाद डाली। शिवाजी महाराज की फौज में जासूसी का महकमा था। उनके इस महकमे के आला अफसर बहेर जी नायक थे। इस जासूसी महकमे के जरिए लाई हुई मालूमात की मदद से ही शिवाजी महाराज ने सूरत की मुहिम सर की। इस महकमे के जासूस खुफिया तौर पर दुश्मन के ग्रहों में शामिल हो जाया करते थे और तफसीली मालूमात लाते थे। शिवाजी महाराज कहीं भी हमला करने से पहले उन्हीं जासूसों से खबरें हासिल करते और इसके बाद ही चढ़ाई करते।